पूरा ग्लेशियर के बारे में दुनिया जहान के लोगों ने बहुत सी बातें लिखी, बहुत सी उन्होंने तहकीकात की कि 57 किलोमीटर लंबा है और 200 समथिंग किलोमीटर चौड़ा है। बटूरा ग्लेशियर बेसिकली पाकिस्तान की जान ग्लेशियर्स में से एक ग्लेशियर है और ये दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की जो अहम तरीन बात यह है कि ये एक मजबूत और पक्का ग्लेशियर है और ये पता नहीं इसकी डेप्थ, शायद लोग बताते हैं वहाँ के मकामी जो हैं वो कहते हैं कि हज़ारों मीटर की इसकी गहराई है, मीटर किलोमीटर नहीं, हज़ारों मीटर की इसकी गहराई है और ये उतना ही ऊंचा है। ये देखिए कि आपको ये बर्फ़ के पहाड़ है, टोटल बर्फ़ है, ये आम पहाड़ नहीं है, टोटल बर्फ़ है और इनमें से निकलती ही ये छोटी सी एक लेक है जिसे हम बटूरा लेक कहते हैं। मगर ये देखें कि इन पहाड़ों के ऊपर कितनी ही बर्फ़ जो है वो जमी हुई है, मिट्टी के पहाड़ और ये कोन्स, पशु कोन्स जो हैं उनके साथ इसका इससे मुतसिल है, पशु कोन्स के साथ ये बटूरा ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर को देख के एक बंदा एक दफ़ा तो दहशत में आ जाता है, इतनी बर्फ़ और इतनी ऊंची ऊंची चट्टाने, कोन्स बिल्कुल तिकोन की तरह की इसकी वो चट्टाने हैं और इन कोन्स के साथ ही बर्फ़ के पहाड़ और ग्लेशियर। पशु और बटूरा दोनों ये मुतसिल ग्लेशियर्स हैं, इनकी चट्टाने, इनका ऊपर से व्यूज़ देखें या इनका नीचे से देखें, ड्रोन व्यू देखें या टॉप व्यू देखें, हर व्यू से आपको यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना मजबूत नज़र आएगी। ये देखें कि ये एक इसकी बनाई हुई सुरंग सी बनाई है, उसके अंदर से आ जाते हैं और ये एक्सपेडिशन करने वाले जाते हैं और जाकर मज़े लेते हैं। यहाँ पर इस जो पूरी चट्टान है या इस पूरे पहाड़ है, इस पूरा ग्लेशियर है, इसको बहुत से लोगों ने सर किया है और सर करने के बाद उन्होंने इसके एक एक व्यू को बहुत ही खूबसूरती से देखा है, जिया है ज़िंदगी को। यहाँ आकर ज़िंदगी जीना जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है और इन जगह पर आपका आना, पाकिस्तान को देखना, ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है, इन्हें देखना आपके लिए एक नसीब की बात होती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ का हुसन है, कुदरती हुसन से मालोमाल है। गिलगित बल्तिस्तान में जाएं आप, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, आज़ाद कश्मीर में जाएं, जैसे ही आप इन इलाकों में जाते हैं तो आप जाकर पाकिस्तान को खूबसूरती से, गहराई से और बहुत करीब से देखते हैं। ये देखिए ये मनाज़रा, ये व्यू पॉइंट बनाया गया और इस व्यू पॉइंट से आप पूरी तरह मुकम्मल खूबसूरती से और ठहराव के साथ आप इस बटूरा ग्लेशियर को देख सकते हैं। यहाँ पर एक काबिले ज़िक्र बात वो ये है कि आप जब भी जाएं मुकम्मल गैजेट्स के साथ जाएं, अच्छी तरह पैक होके जाएं, अपने साथ खाना वाना साथ लेके जाएं और फिर उसके बाद आप इन जगहों पर इन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हों। किसी भी कोने खुदरे में आप बैठ सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं, इन कुदरती माहौल के अंदर साफ़ सुथरा माहौल है, मिट्टी नहीं है, गर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत के दिए हुए हसीन मनाजिर है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमजा ने ये जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके बैठने के लिए जगह बनाई है और ये बटूरा लेक आप देख रहे हैं, ये बटूरा लेक है। इसे मैं इस चैनल से दिखाऊं तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि जालियों से बटूरा लेक का मंज़र, ये इसी ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है और जो यहाँ पे मौजूद है, कहते हैं कि सर्दियों में ये लेक फ्रीज़ हो जाती है। बटूरा से जैसे ही आगे या आप थोड़ा सा सफ़र पीछे की तरफ करेंगे तो आपको पशु ग्लेशियर के बहुत बड़ी बड़ी ऊंची चट्टाने नज़र आएंगी। इन चट्टानों से आप ये देखिए कि आपको पशु ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा और इस ग्लेशियर की जो गहराई है, जो चौड़ाई है, लंबाई है, मुकम्मल हर बंदा इसको बेहतर तरीके से इसे देख सकता है, जांच सकता है। मगर यहाँ पर आके आपने इस हुसन से अपनी आंखों को खैरा करना है और लुत्फ़अंदोज़ होना है। ये इतनी खूबसूरती है कि जिसको जितना भी इंजॉय किया जाए उतना कम है।
मेरे दोस्त हैं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, वो जब गिलगित बल्तिस्तान के टूर पे गए तो उन्होंने ये खूबसूरत वीडियो मुझे भेजी, और भेजने के बाद उन्होंने कहा कि इसे देखो और अपने जो खोजी चैनल के, खोजी राणा के जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी दिखाओ कि गिलगित बल्तिस्तान के दरिया कितने खूबसूरत हैं, और यहाँ पर इन दरिया को क्रॉस करने के लिए सस्पेंशन ब्रिज भी रखे गए हैं, बनाए गए हैं, और इन सस्पेंशन ब्रिजेस के ऊपर बाज़ुकात ये गाड़ी भी गुजर जाती है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आकर ये रबता है एक दरिया के पार की आबादी का और इधर की आबादी का, और इतना खूबसूरत मंज़र है इस ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। ऐसे ही हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है ये हुंजा के अंदर, और ये खुंजराब जाते हुए जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सियाह दुनिया भर से आते हैं आकर और वक्त गुजारते हैं, सुकून लेते हैं, उन्हें इन हसीन वादी के अंदर, इन हसीन वादियों के अंदर आके बहुत मज़े लेते हैं, और आप भी आएँ और इस जगह को